नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमएक्स कंपनी का कार वॉशर, जिसका मॉडल नंबर है DT6520, जो 2.5 HP का पंप है और 120 to 150 bar करीबन प्रेशर रहता है। सिंगल फेस का पंप है। आज इस वीडियो में हम आपको इसका अनबॉक्सिंग और इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज साथ में आती है और इसका एसेसरीज कैसे फिट होता है और इसका टेस्टिंग वीडियो में ये पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज और क्या क्या एसेसरी साथ में आती है। चलिए आइए देख लीजिए दोस्तों, ये उसका बॉक्स है। काफी हैवी बॉक्स है, पाइपलाइन करीबन का बॉक्स है और हैवी है। ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये देखो पूरा पंप है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाइए तो ये इसका इनलेट पाइप हो गया, 2 मीटर करीबन का इसका इनलेट पाइप है। ये हो गया आउटलेट पाइप है, नॉर्मल कनेक्शन जो हमारा रेगुलर जो पंप में आता है उस टाइप का नॉर्मल कनेक्शन है पाइप का। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी पाइप आपको सब जगह मिल जाएगी। 8 मीटर करीबन इसकी लेंथ है। ये इसका इनलेट फिल्टर हो गया, हेवी फिल्टर है, डस्ट वगैरह कुछ जाएगा नहीं इसमें। और साथ में ये इसकी एसेसरीज वगैरह है, ये मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगा, पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लूंगा। ये हेवी गन है, इसका हेवी है, काफी बढ़िया हेवी है। ब्रास वाला एडेप्टर लगा हुआ है इसमें। और ये आ गया पूरा पंप दोस्तों। ये देखो इसका अनबॉक्सिंग प्रॉपर हो गया है। क्या क्या एसेसरी साथ में आ रही है वो मैंने इधर रख दिया है। और अभी मैं इसका टोटल एसेसरी जिसमें फिटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो कार वॉशर है उसका एक प्लस पॉइंट इसमें दिया गया है, इसमें एक एक्स्ट्रा फिल्टर दिया है, वाटर फिल्टर, जो कि काफी अच्छा है। इससे आपको जो पंप में है वो कोई किसी भी प्रकार का कचरा अंदर जाएगा नहीं और आपका पंप की लाइफ रहेगी इसमें। तो मैं अभी आपको इसमें पूरी एसेसरीज कैसे फिटिंग होती है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, थोड़ा स्पीड से करूंगा। 8 मीटर करीबन का पाइप है ये, इसका एक कनेक्शन इधर आ जाएगा, देखो आप। और किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है इसमें कुछ लगाने की, सीधा ही एसेसरीज फिट करके सीधा प्लगिंग ही करना है और वाटर कनेक्शन देना है आपको इनलेट का। इधर फिट हो गया। ये जो पाइप का दूसरा पोर्शन है उसमें ये फिट हो जाएगा। ये वाला नॉर्मल पाइप है, सब जगह इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हमारा वाला हेवी पाइप है, 13.5 mm का हाइड्रोलिक वाला। और साथ में 4 नोजल दी गई है जो भी यूनिवर्सल साइज है, ठीक है। जितना भी आपको फ्लो चाहिए उस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। ये इसका आउटलेट कनेक्शन हो गया। अभी मैं आपको इसका इनलेट कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ये जो वायर से आपको इधर लगाना है, इसको ऐसे फिट करके इसको टाइट करना है तो क्या एयर लीकेज न हो और प्रॉपर आपका पानी सक्शन हो इसमें। अभी इसका आउट इनलेट कनेक्शन, जो वाटर फिल्टर दिया गया है वो इधर लगेगा, इसका इनलेट कनेक्शन इधर लग जाएगा। ये पूरा सेटअप हो गया, इस टाइप से इसका यूज होता है, ठीक है। साथ में ऑयल भी पूरा फिलअप आता है, ऑयल की भी कोई इश्यू नहीं है इसमें, आप सीधा स्टार्ट ही कर सकते हो। देखो ऑयल लेवल भी उसमें ऑलरेडी फिलअप ही आता है। और कैसे स्टार्ट होता है इसका स्विचिंग इधर दिया गया है, आप देख लीजिए दोस्तों। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ऑन ऑफ स्विच इधर दिया गया है। और एक और स्विच दी गई है इधर, देख लो आप। ये ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है, कभी पंप गर्म हो जाए तो बंद हो जाता है, तो ये ओवरलोड स्विच आप इसको पुश कर देंगे तो वापस स्टार्ट हो जाएगा। और इधर इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, देख लीजिए। इसका मॉडल नंबर है DT6520, 10 लीटर पर मिनट इसका परफॉर्मेंस है।
ढाई एचपी की मोटर आती है और 120 टू 150 बार करीबन प्रेशर देता है। काफ़ी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा पंप है ये। अभी मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कितना प्रेशर देता है वो। चलिए अभी इसका टेस्टिंग करते हैं। देखिए ये पूरा सेटअप हो चुका है हमारे पंप का। पावर सप्लाई का भी कनेक्शन दे दिया है हम लोगों ने, पानी का कनेक्शन दे दिया है, पूरा सेटअप हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना प्रेशर देता है। साथ में चार नोजल है, इसमें मैं 0 डिग्री की ही ट्राई करूंगा कि पता चले हम लोगों को कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है इसका। ये हो गया इसका, ये पंप इधर से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होता है। अभी देख लीजिए, अरे बाप रे, पूरा पेंट ही निकल जा रहा है। आप लोगों से सजेशन है, ये वाले नोजल से आप कोई भी कार वगैरह वॉश मत कीजिए, अदरवाइज आपका कार का पेंट डैमेज हो जाएगा। और एक और चीज है, इसमें रेगुलेटर भी दिया है, इससे आप प्रेशर भी मेंटेन कर सकते हो। ये भी प्रेशर चाहिए, इसका डायरेक्शन भी दिया है, इसमें डायरेक्शन पे आप वर्क कर सकते हो। और इसका गेज अंदर दिया है, कितना प्रेशर देगा वो आपको दिखाएगा। वो खींच के डाल देगा। दोस्तों ये था हमारा 6520 मॉडल, जो कि कॉमर्शियल पंप का ही एक सीरीज है और छोटा सा है, बाकी काफी पावरफुल मशीन है। तो इसका आपको चाहिए तो नीचे हम लोगों ने नंबर दिया गया है, उससे आप हमारे डीलर्स को आप जान सकते हो कि कौन सा डीलर आपको नजदीक गिरेगा। ये पूरा डीलर नेटवर्क में पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे डीलर्स अवेलेबल है, तो नीचे नंबर दिया है हम लोगों ने, आप उससे इंक्वायरी कर सकते हो हम लोगों से। थैंक यू वेरी मच।